इंदौर में जब भी भाजपा की रणनीति की बात होती है, चुनावी रणनीति की बात होती है, आईडीए में जब भी कोई नई योजना की बात होती है, उसे लागू करना होता है, या निगम में किसी योजना पर चर्चा करनी होती है, तब एक नाम उभर कर सामने आता है और वो है ललित पोरवाल जी का। ललित पोरवाल जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, हम बहुत स्वागत करते हैं ललित जी आपका। मैं आपको बता दूं ललित जी के बारे में, ललित जी उस ज़माने के पार्षद हैं जब पहली बार ललित जी पार्षद बने थे। उस वक्त सुमित्रा महाजन पार्षद थी, कैलाश विजयवर्गीय पार्षद थे, मधु वर्मा जी पार्षद थे और गोपी कृष्ण नेमा जी पार्षद थे और भी कई कद्दावर लोग थे जो उस वक्त के पार्षद थे। तो उस खेमे के, उस बैच के ललित पोरवाल जी हैं और उसके बाद लगातार ललित पोरवाल जी MIC के 20 साल तक लगातार मेंबर रहे, पार्षद रहते हुए कई विदेश यात्राएं की और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारा ऐसा अनुभव हासिल किया जो शहर के लिए, प्रदेश के लिए हितकारी है। सबसे पहले ललित पोरवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जबकि मध्य प्रदेश की चुनावी तैयारियां चल रही हैं भाजपा की और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, वो बेदखल हो जाएगी, कांग्रेस काबिज हो जाएगी, क्या आकलन है आपका? सबसे पहले तो मैं आपकी TV चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर आपसे चर्चा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। जी धन्यवाद। वास्तव में आपने जो कहा कि कांग्रेस BJP को बेदखल करने का सपना देख रही है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि हम BJP को बेदखल करेंगे, लेकिन उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ जी। क्योंकि जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और इस प्रदेश की और इस शहर की ऐसी उन्होंने दुर्दशा की थी कि जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आई और मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कहलाता था, उस बीमारू राज्य को विकास के माध्यम से आज संपन्न प्रदेशों की गिनती में मध्य प्रदेश का नाम है। मध्य प्रदेश में शहरों का विकास हुआ है, ग्रामीण विकास हुआ है, किसानों का विकास हुआ है, ऐसी अनेकों योजना है जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश का विकास के साथ साथ पूरे प्रदेश का देश भर में नाम है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में लागू हुई और अब पूरे देश में उस योजना को सभी प्रदेशों ने लागू किया है। और इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं जी, लेकिन उनका यह प्रयास एक सपने के रूप में ही होगा और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। एक एक उम्मीदवार जो 100% जीतने वाला होगा उसी को टिकट दिया जाएगा और बहुत बारीकी से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के प्रभारी के रूप में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को, जो मध्य प्रदेश के 2 मर्तबा अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रदेश के चुनाव जीते हैं, उनकी देखरेख में यह पूरा चुनाव हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है और इसलिए सरकार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बन रही है, जो काम हो रहे हैं, प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, वास्तव में वो बहुत अनोखे हैं। ललित जी, मैं आपको बीच में रोक मन को जीतने वाले जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। कांग्रेस यदि दावा कर रही है तो उसके पीछे वो तर्क भी दे रही है। उसका ये कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जिस ढंग से बढ़ते जा रहे हैं लगातार, वो एक बड़ा कारण है कि आम जनता में क्षुब्धता है, आम जनता में नाराजी है। दूसरा कारण वो बता रहे हैं कि जो नोटबंदी है, जो GST है, ये भी एक बड़ा कारण प्रदेश में उसका प्रभाव पड़ेगा। और चौथा कारण वो बता रहे हैं जिस ढंग से किसानों में आक्रोश पैदा हुआ है, मंदसौर में एक आंदोलन हुआ, उसके बाद में कुछ दिन पहले 10 दिन तक लगातार किसानों ने बंद किया, ये सब चीज़ें कांग्रेस को पक्ष में दिखाई दे रही हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ सतही बातें नहीं है, ऐसी बातें नहीं है जो सिर्फ झुलावे में है, ये कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान दे सकती है?
देखिए कि जो आपने कहा कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे, ये डीजल और पेट्रोल के भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर होता है और इसके बारे में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और निश्चित रूप से इसमें जो भी कमी की जा सकती है उसका प्रयास केंद्र सरकार भी करने के लिए संकल्पित है और प्रदेश सरकार भी करेगी। दूसरा, आपने जो कहा कि मंदसौर में किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन मंदसौर में नहीं हुआ था। मंदसौर में वास्तव में जो तस्करी करते थे अफीम की और जो नए कानून के अनुसार उनकी तस्करी और उनके ऊपर जो सख्ती की जा रही थी, ऐसे असामाजिक तत्वों ने किसानों के नाम पर आंदोलन करने का प्रयास किया और उसको हिंसक करने की कोशिश की। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही कि 10 रोज तक प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, वो किसानों का आंदोलन की घोषणा हुई थी, लेकिन 10 रोज तक कहीं भी पूरे प्रदेश में अराजकता नहीं हुई, कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं आई। और वो आंदोलन का नाम जरूर था लेकिन वो कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ था, क्योंकि प्रत्येक किसान की किसान बीमा योजना, किसानों को जो है अनाज जो है निर्धारित मूल्य से अधिक में प्रदेश सरकार खरीद रही है और किसानों के हित में जो भी अधिक से अधिक किया जा सकता है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी खुद एक किसान के परिवार से हैं और किसानों के दर्द को वो बहुत भलीभांति समझते हैं और उनका हमेशा ये प्रयास रहा कि जो किसानों की लागत मूल्य उससे कम भाव में उनकी वस्तु नहीं बिकना चाहिए, उसे लागत मूल्य से अधिक पैसा मिलना चाहिए और किसानी का जो काम है वो लाभ का धंधा बने, ऐसा उनका संकल्प है और उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में और सफलता उनको मिलेगी। अनिल जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब मोदी जो हैं, अब मोदी का वो प्रभाव नहीं रहा, या यूँ कहा जाए कि मोदी लहर नहीं है, उसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना होगा। आपको लगता है, देखिए हम बात, चूँकि आप भाजपा से हैं और आपको निश्चित रूप से ज़रूरी है कि आप भाजपा की बात रखें, लेकिन कहीं कोई ज़मीनी आकलन भी आपका है कि कहीं हम कमज़ोर हुए हैं और वहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है? अभी 4-5-6 महीने बचे हैं। देखिए, आपने जहाँ तक मोदी जी की लहर का सवाल उठाया है तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की जो नीति है, जो काम करने की शैली है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। नोटबंदी का जो आपने कहा, लेकिन नोटबंदी के जो विदेशों से और आसपास के जो हमारे दुश्मन देश हैं वहाँ से जो नकली नोट यहाँ पर आ रहे थे, उस नोटबंदी के कारण उस पर भी नियंत्रण हुआ। नोटबंदी के कारण जो है इनकम टैक्स की जो देने वालों की संख्या बढ़ी है और वास्तव में कोई भी यदि नई नीति होती है तो उसकी कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन ये जो निर्णय हुआ ये देश के लिए दूरगामी निर्णय है। और कभी कभी मैं ऐसा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर को ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी लेना पड़ती है। यह नोटबंदी और GST एक तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए, देश का स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में स्थापित हो, और ऐसा मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसलिए ये थोड़ी सी कड़वी दवा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आपको ये भी बताना कि मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी जब से केंद्र में आए कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आज तक ना कांग्रेस उठा पाई, ना कोई विपक्ष उठा पाया, ना कोई अंगली उठाई, क्योंकि इतनी पारदर्शिता से वो काम कर रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी हों, नरसिंह राव हों, यदि दो दो चार चार स्ट्रंगल या भ्रष्टाचार के मुद्दे उठते थे और पूरे देश में बहस होती थी, चर्चा होती थी। मोदी जी के कार्यकाल में आप एक भी कोई ऐसी बड़ी घटना जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, जिसमें देश के विरुद्ध कोई काम हुआ हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
दो तीन चीज़ें हैं। देखिए जीएसटी की अगर हम बात करें, परवल साहब आप भी चूँकि व्यापारियों से बहुत नज़दीक से आप जानते हैं और इस शहर में आपने लंबी राजनीति की है, व्यापारी वर्ग कहीं क्षुब्ध है जीएसटी को लेकर, क्योंकि उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है पड़ा है और कई व्यापार बहुत सारे चौपट हुए हैं। ये भी एक बड़ा कारण है, व्यापारी वर्ग जो है वो अगर रुष्ट है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भाजपा को मिलेगा। देखिए जीएसटी जो लागू हुई है, इस जीएसटी लागू होने से जैसा कि मैंने बोला आपको कि देश के लिए कोई कड़वी दवा का असर तो होता है, लेकिन ये आप बताइए कि ये जीएसटी जो है कांग्रेस के ज़माने से ये बंद बस्ते में पड़ी थी, उनकी भी योजना थी लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जीएसटी लागू करें, क्योंकि जीएसटी लागू होने से पूरे देश में एक जैसा कानून लागू हुआ। जीएसटी का ये भी असर पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी कई व्यापारी वर्ग में शुरू में जो असंतोष था जी। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब जीएसटी की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से लोग जब जीएसटी का काम कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया समझ में आ रही है और इसलिए उसका जो नाराज़ी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वास्तव में कोई व्यक्ति ने जीएसटी के माध्यम से कोई चीज़ खरीदी हो और वो उसने यदि खरीदी है तो वो बाद में वही वस्तु यदि दूसरा व्यक्ति खरीदा है तो वो दोनों एक दूसरे को जीएसटी से क्रॉस होती है और दोनों को कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है। और इसलिए जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतोष था, लेकिन धीरे धीरे लोग उस बात को समझ रहे हैं और जब लोग समझ रहे हैं तो देश हित में और पूरे देश में एक जैसा कानून हो तो निश्चित देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और इस जीएसटी का अभी कई विदेशों में भी चर्चा है कि भाई देश में भारत ने ये लागू कर दिया है और भारत ने लागू कर दिया है तो वो देश भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये बात दूसरी है कि उनमें किसी में भी करने की हिम्मत, क्योंकि ये जीएसटी कोई अचानक कोई जादू मंत्र से नहीं आ गई, ये कांग्रेस के ज़माने में भी इसका अध्ययन होता रहा, इसकी तैयारी होती रही और इसको लागू करना कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन उन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। और मोदी जी जो भी कोई काम करते हैं तो बड़े हिम्मत के साथ करते हैं और उनमें इस बात की दृढ़ निश्चितता रहती है कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो देश के हित में कर रहा हूँ, समाज के हित में कर रहा हूँ। और आज थोड़ी सी लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन जब कल इस सारी प्रक्रिया को लोग समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मेरी बात को लोग मानेंगे। नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस आखिर इसी बात को मुद्दा क्यों बना रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे निश्चित रूप से। चलिए हम सीधे हम बातचीत करते हैं रही जी, आपकी राजनीति की करियर की बात हम करें, आप 20 साल तक लगातार पार्षद रहे, 20 साल तक MIC मेंबर रहे, लेकिन एक लंबा गैप आ गया है और अब 3 नंबर क्षेत्र क्रमांक से आपका कहा जा रहा है कि आपकी वहाँ से दावेदारी है। क्षेत्र क्रमांक 3 की अगर हम बात करें तो यदि आपको टिकट मिलता है तो क्या ताकत रहेगी, आखिर वहाँ की आवश्यकता क्या है और वहाँ के लोगों को आप कन्विंस कैसे करेंगे कि वो भाजपा को वहाँ पहुँचता है? देखिए 3 नंबर विधानसभा शहर के बिल्कुल बीचों बीच, या कहा जाए कि शहर का हृदय है, राजवाड़े से लेकर रामबाग, गाड़ी अड्डा, छावनी, इसने नगर, जानकी नगर, इसले लतागंज, जेल रोड, ये सारा 3 नंबर का कार्य क्षेत्र विधानसभा का आता है। मैं वहीं पे राजवाड़े पे मेरा निवास है और मैं 4 मरतबा पार्षद रहा हूँ, जिसमें 3 नंबर विधानसभा से 3 मरतबा पार्षद रहा हूँ, 1 मरतबा कृष्णपुरा राजवाड़े से, फिर आड़ा बाजार, हरसद्दी और मोती तपेला, ये सारे क्षेत्र से मैं पार्षद रहा हूँ। और मैंने उस पार्षद कार्यकाल में मुझे पार्टी का बहुत ज़्यादा वो रहा तो मुझे MIC के रूप में भी अधिकार मिला और मैंने हजारों लोगों का काम वहाँ पर किया है। हरसद्दी के पास में, हरसद्दी से मच्छी बाज़ार के जो जाने वाला रास्ता है वहाँ मैंने ब्रिज का निर्माण किया, नदी के किनारे से एक पूरा रोड जो मोती तपेले से होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक जाता है, ऐसे एक नहीं अनोखे काम मैंने 3 नंबर विधानसभा में किए हैं। और लगातार मैं वहाँ से पार्षद रहा हूँ तो मेरा वहाँ जीवित संपर्क है और कई लोगों को मैंने रोजगार से लगाया है। और चूँकि
मैं भी एक सामान्य परिवार से राजनीतिक जीवन में आया हूँ और लोगों के आशीर्वाद और लोगों की मदद से लगातार मैं 4 चुनाव जीता हूँ, और इसलिए यदि पार्टी ने मुझे योग्य समझा और जिम्मेदारी दी तो निश्चित रूप से मैं पूरी तैयारी में हूँ। मैंने पिछले 4 मरतबा जब पार्षद का चुनाव लड़ा तो भी मैं कभी पार्टी का ने टिकट मांगने नहीं गया, मैं अपने काम करता रहा और पार्टी ने काम के उप आधार को मानकर ही मुझे टिकट दिया और इंदौर की जनता ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है। तो निश्चित रूप से पार्टी यदि मौका देगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ललित जी, अब तो स्थिति बदल गई है, चूँकि भाजपा का चूँकि अपना वर्चस्व है और ये हर व्यक्ति को पता है कि यदि वो भाजपा से खड़ा होगा तो जीत के ज़्यादा आसार हैं। ऐसे में क्षेत्र क्रमांक 3 से भी कई और नाम हैं, कई ऐसे हर जितने भी क्षेत्र हैं हर जगह से कई ऐसे नाम हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि आप दावेदारी नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तो आपको लगता है कि ऐसे में टिकट मिलना है? देखिए, मैंने आपको कहा कि मैंने पहले भी कभी नहीं मांगा, लेकिन मैं उम्मीदवार की सूची में मेरा नाम है और टिकट मांगना सबका हक है, लेकिन पार्टी जिसको चुनाव जीतने के योग्य मानेगी, और जैसा कि मैंने आपने भी पहले कहा कि पहले और अभी के चुनाव में यह कोई लहर का चुनाव नहीं रहेगा, ये चुनाव ऐसा रहेगा कि जो जो पब्लिक के बीच में रात दिन उनके दुख सुख में काम करने वाला, उनके साथ जिसका समन्वय होगा, जो वास्तव में जमीन का नेता होगा, पार्टी उन्हीं को टिकट देगी और निश्चित रूप से जब पार्टी उनको टिकट देगी तो उसका परिणाम अच्छे होंगे, और परिणाम होंगे अच्छे तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। जी, मैं कांग्रेस का आकलन बताता हूँ। हमारे जो 9 क्षेत्र हैं मतलब इंदौर को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, उसमें क्षेत्र क्रमांक 1, 3, 5 और राऊ सावेर महू जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ कांग्रेस अपने आप को मजबूत मान रही है। वो 2 की बात नहीं कर रही है, वो बहुत ईमानदारी से बात कर रही है। वो कह रही है कि 2 क्षेत्र हम 2 नंबर छोड़ दें। महू की वो बात कर रही है कि यदि कैलाश जी वहाँ पर खड़े होते हैं तो अलग बात है, लेकिन कैलाश जी की जगह कोई और टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस के वहाँ अंतर सिंह दरबार जीत जाएंगे। क्षेत्र क्रमांक 3 को भी कमज़ोर मान रही है, वो 5 को भी मान रही है, इस आकलन के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस का भी एक बहुत पुराना संगठन है और कांग्रेस भी चाहेगी कि वो चुनाव जीते, लेकिन उनकी जो दावेदारी है वो अब देख लीजिए, 1 नंबर से भी बहुत लंबे मतों के अंतर से वो हारे, 2 नंबर से हारे, पिछला चुनाव 3 नंबर से भी हारे, 4 नंबर से भी वो हारे, 5 नंबर से भी हारे, ले दे के 1 रऊ की सीट जो है उनकने है, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे तो कहाँ से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में और प्रदेश के साथ शहर में, आज पूरे शहर में जो पूरे देश में पहले 1 नंबर पे आया, फिर दोबारा 1 नंबर पे आया, सफाई व्यवस्था, स्मार्ट सिटी और जो विकास के काम शहर में हो रहे, और वास्तव में मैं बताऊं कि एक ज़माना कांग्रेस का हुआ करता था इंदौर में, लेकिन 83 में जब से भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिक निगम बनी और उसमें धारकर जी महापौर के रूप में, उन्होंने शहर के विकास को एक नई दिशा दी। उसके बाद जो जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, उन्होंने उसी लाइन को आगे बढ़ाते गए। हमने एक ज़माना था कि कांग्रेस के भी लोग कांग्रेस के विरोध में खड़े होकर बोलते थे कि साहब सड़कों पे इतने इतने बड़े गड्ढे हैं। आनंद मोहन माथुर जो बहुत वरिष्ठ अभिभाषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने जब रिगल टागिज पे आंदोलन किया कि भाई ये शहर में इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं साहब, 1 फुट के नहीं है, 8 इंच के गड्ढे हैं। तो ये इस प्रदेश शहर की स्थिति कांग्रेस ने की थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब आई तो हमने लोगों से निवेदन किया कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप सीमेंट दो, सड़क हम बनाएंगे सीमेंट कंक्रीट की, तो बाकी का खर्चा नगर निगम करती थी। और आपके जानकारी के लिए बताऊं कि मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से अधिक इंदौर में सीमेंट के रूप में जनता ने जन सहयोग दिया, और इंदौर नगर पालिका को किशल अवार्ड मिला कि भाई कोई भी जब नगर पालिका को टैक्स के रूप में, संपत्ति कर के रूप में लोग टैक्स देते हैं तो नगर निगम की जिम्मेदारी सड़क बनाना, लेकिन इंदौर के लोग बहुत जाबाज हैं, जागरूक हैं, अपने शहर के विकास के लिए उन्होंने खुद ने सीमेंट के रूप में करोड़ों रुपए
इंदौर की जन भागीदारी में उपलब्ध कराए और उसका परिणाम है कि आज इंदौर, और मैं आपको ये टीवी के माध्यम से बताने में मेरे को बेहद खुशी हो रही है कि अभी और भी सर्वे हुआ तो सर्वे हुआ कि देश के जो रहने लायक 10 शहर की गिनती हो उसमें इंदौर का भी नाम 8वें नंबर पे है। जब हम पार्षद 83 में थे और उसके बाद लगातार पार्षद रहे तो हम हमेशा जनता के बीच में इस बात को करते थे कि हम देश के 10 महत्वपूर्ण शहरों में हमारे शहर का नाम हो, ये हमारा प्रयास रहता था। और इस प्रयास को लगातार भारतीय जनता पार्टी ने करते हुए आज ये सफलता मिली है, तो ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर सब आप निगम में रहे, MIC मेंबर 20 साल तक लगातार, IDA में आप डायरेक्टर रहे, आप उपाध्यक्ष रहे, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है, IDA शहर के विकास के लिए जो लगातार कर पाता है वो निगम नहीं कर पाता, आर्थिक हालात अलग अलग हैं, क्या लगता है आपको निगम, इंदौर का जो निगम है उसे जो पैसों की सहायता है वो सरकार से मिलनी चाहिए, निगम को और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, निगम की जो माली हालत है वो कमज़ोर है? आपने बहुत ही अच्छा विषय निकाला है, क्योंकि नगर निगम की हमेशा स्थिति ऐसी रहती है कि हमको 100 रुपये खर्च करना है और नगर निगम करने 10 रुपये रहते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि धीरे धीरे नगर पालिका निगम इंदौर ने अपने आर्थिक सोर्स बढ़ाए, और उसका चूँकि मैं राजस्व कमेटी का पहले चेयरमैन रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि पहले नल का जो बिल होता है 30 रुपये प्रति माह होता था, धारकर जी ने उसको बढ़ाकर 50 रुपये करा, और अब धीरे धीरे क्योंकि पूरे देश में नर्मदा का पानी जो है 21,000 फुट पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है और फिर इंदौर को पानी मिलता है, और नर्मदा का पानी पूरी देश की सभी नदियों से शुद्ध पानी है, और शुद्ध पानी लेकिन उसको इंदौर को देने के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसमें यदि जो खर्चा होता है और खर्चा के बाद में जो निगम को प्राप्त होता है वो लगभग 1 रुपया खर्च होता है तो 20 पैसे मिलते हैं, मतलब उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन धीरे धीरे नगर निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास किया है, संपत्ति कर के रूप में भी अभी नगर निगम ने, जब मैं शुरू में राजस्व कमेटी का अध्यक्ष बना था तब 18-19 करोड़ रुपए आते थे, आज लगभग 300-400 करोड़ रुपए नगर निगम की इनकम है। तो नगर निगम ने अपने पैर पे खड़े होने के लिए प्रयास किया है, और निश्चित रूप से आपका ये कहना है कि इनकम तो कम है, खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि शहर का जो तेज़ी से विकास करना है इसके लिए खर्चा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। और IDA की स्थिति ठीक विपरीत है, IDA जो है वो मास्टर प्लान के हिसाब से काम करता है, और मास्टर प्लान के हिसाब से काम करने के कारण कई सरकारी ज़मीन और जो ज़मीन एक्वायर करते हैं और उस ज़मीन को एक्वायर करने के बाद जो डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद जो IDA को जो इनकम होती है उस इनकम से विकास होता है, क्योंकि IDA को भी सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं मिलता है। जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉम्बे आगरा रोड पर इतना अधिक ट्रैफिक था तो आज से 20 साल पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने रिंग रोड बनाया, आज वो रिंग रोड यदि नहीं बनता तो इंदौर में बॉम्बे आगरा रोड पर लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि आज रिंग रोड बनने के कारण जितने भारी वाहन है ट्रक्स है वो शहर की सीमा में नहीं आते, वो बाहर के बाहर चले जाते हैं, और इसलिए IDA को भी जब IDA के ने जो भी इनकम हुई है IDA की वो शहर के विकास में IDA खर्च करता है। जी। और इसलिए जैसे कई बर्तवा अभी सुपर कॉरिडोर पे बहुत बड़ा ब्रिज बना, केसरबाग का ब्रिज बना, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं जो IDA के ने अपने प्लाट और जो संपत्ति बेचने से जो IDA को लाभ होता है वो लाभ
शहर के विकास में आईडिया खर्च करता है जी, और उसका परिणाम होता है कि वो मास्टर प्लान के हिसाब से बड़े बड़े रोड बनाता है और विकास होता है। लेकिन एक आरोप आईडिया पर बड़ा लगता रहा है जी कि आईडिया एक भूमाफिया की तरह काम करता है। वो जो योजनाएं बनाता है उसमें 50, 55 और 70 लाख के घर होते हैं, वो आम आदमी के तो दायरे में आते ही नहीं है। ऐसे में आईडिया का उद्देश्य क्या है आखिर? घर स्कीम्स बनाकर लोगों को बेचकर पैसा कमाना उद्देश्य है या शहर का विकास करना उद्देश्य? नहीं, आपने आईडिया के बारे में जो लोगों की धारणा थी, और जब हम आईडिया में नहीं थे तो हमारे को भी यही धारणा थी कि भाई आईडिया कोई कानूनी नाइजर नहीं है, आईडिया का कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। लेकिन जो भी प्रक्रिया होती है, तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊँ कि 140 नंबर स्कीम आईडिया ने वहाँ पर 500 प्लाट निकाले। हमारे यहाँ आईडिया में प्रक्रिया ये होती है कि 500 प्लाट निकाले, प्लाट के टेंडर होंगे, टेंडर होंगे, यदि किसी आदमी ने 5000 रुपये स्क्वायर फीट भरा तो आईडिया उसको ये तो नहीं बोलेगी कि आप 4.5 या 4 में ले लो जी। ये टेंडर प्रक्रिया से होती है। यदि जनता टेंडर भरती है और उस टेंडर से कम में हम दे नहीं सकते, लेकिन जो टेंडर के माध्यम से पैसा आता है वो शहर के विकास में खर्च होता है, वो पैसे का कोई सरकार को नहीं जाता है, किसी चीज़ में वो उसका दुरुपयोग नहीं होता है। शहर की जो मास्टर प्लान की बड़ी सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, और जो भी बड़े विकास के काम होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मधुकर जो वर्मा जी थे जब आईडी के अध्यक्ष, तो उन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपये जो है रीजनल पार्क में खर्च किए। तो एक शहर में रीजनल पार्क एक बड़ी उपलब्धि है कि जब भी कोई दूसरे शहरों से गांवों से लोग आएंगे तो भाई शहर में क्या देखने लायक है। तो इसलिए आईडिया जो भी इनकम करता है वो शहर के हित में खर्च करता है। और आपने जो कहा कि भूमाफिया या कॉलोनी नाइजर की स्थिति, हमने धीरे धीरे उसको उस दायरे से बाहर किया है। हमने अभी कुछ गरीब लोगों के भी मकान निकाले थे, और उसमें जब अधिक टेंडर आते हैं तो हम उसमें ये भी करते हैं कि भाई लॉटरी सिस्टम से उनको मकान और प्लाट अलाट किए जाएं। धीरे धीरे ये प्रयास किया है कि वो कोई भूमाफिया या कोई कॉलोनी नाइजर नहीं है, वो सरकारी संस्था है, लोगों को सस्ते और सुंदर और अच्छे मकान, अच्छे प्लाट लोगों को उपलब्ध हों, और उसमें से जो भी इनकम होती है वो शहर के विकास में खर्च होती है। चलिए अंतिम प्रश्न है, ललित जी की क्षेत्र में जो इंदौर की जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें कितनी सीट्स इस बार विधानसभा में भाजपा को मिल जाएंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत प्रयास है और संकल्प है कि जो इंदौर की 9 सीटें हैं वो 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, और 9 में से हम 8 सीट तो जीत ही चुके हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमको जो जीती है उसको तो हमको रखना ही है, और एक सीट जो हम राऊ की हारे उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई, पूरा प्रयास है कि किसी भी हालत में वो सीट जीती जाए। और इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सीटें जीतें, मध्य प्रदेश में सरकार बनाए, और जो विकास की रफ्तार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। चलिए जी, आप हमारे बीच में आए, हमसे हमारे दर्शकों से बातचीत की, और देश पर, प्रदेश पर और शहर पर जो प्रकाश डाला है आपने राजनीति पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज आपके दर्शकों से मुझे मिलने का, बात करने का अवसर दिया, उसके लिए आपकी चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने बहुत सारे प्रश्न किए और उस प्रश्नों के मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। इसमें कहीं कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।